अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की हमारी वीडियो मौलाना इलियास अतारी कादरी साहब की वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है कि मज़ारात पर धागे बांधना कैसा। तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। प्यारे बापा जान, ये जो मज़ारात पे जाके धागे बांधते हैं, ताले लगाते हैं और झूले में जाके बच्चे को या अपने मुन्ने को जो है ना वो जाकर डाल देते हैं, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। इस तरह के मामलात वहाँ जाकर करना कैसा? अगर उलमा और सुलहा से कोई ऐसी रस्म चली होती है तो वो अच्छी मानी जाती है और वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी होती है। उलमा और सुलहा जिसको अच्छा कहें वो अच्छा होता है। रहे अवाम, तो अवाम का कोई एतबार नहीं होता, अवाम तो अवाम है। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये मतलब नहीं है, ठीक नहीं होती, इनसे बचना चाहिए। अगर बुजुर्गों का फेस वीडियो अच्छी लगी हासिल करना है ना, भी करें और सही तरीका बता दूं, सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ये बहुत मुश्किल होता है, सही तरीका ये होता है ना, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तरकीब कर लें तो फेस ऐसा मिलेगा कि आप दूसरों को बांटेंगे। इन बुजुर्गों ने पंज वक्ता नमाज बाजमात के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ी, अपने को नींद प्यारी है, फिर दीन की तबलीग, नेकी की दावत इन बुजुर्गों ने हम की, खूब रियाजतें इबादतें की, इनके कोई लम्हात हमारी तरह गफलत में नहीं गुजरते थे, अल्लाह की याद में गुजरते थे। और ये चले ना नक्शे कदम पर, ये झूठ नहीं बोला करते थे, हमेशा सच बोलते थे, किसी को गाली नहीं निकालते थे, बेजा किसी की दिल आजारी नहीं करते थे। तो हम सारे काम यूँ कह लीजिए कि बुजुर्गों की उन सीरत के खिलाफ कर रहे हैं, और धागा बांध दिया हम जैसा आशिक कोई नहीं, ताला उधर जाली में लगा दिया हम जैसा कोई आशिक नहीं, ऐसा नहीं करें। असल फैज मिलेगा सीरत पर अमल करने से। इनको इसाले सवाब करें, पढ़कर या कुछ पका कर खिला कर इसाले सवाब करें, इसाले सवाब के लिए लंगर रसाइल कर देंगे, इन बुजुर्गों को इसका सवाब पहुंचेगा, इससे इनको खुशी होगी और इनका फैज मिलेगा। बाकी ये ताले धागे से कुछ नहीं होता, ये धंधे छोड़ दें, ये सब ये जाहिलों के ढकोसले होते हैं, या जो बाबा जी होते होंगे बाज वो भेज देते होंगे उधर, फुला मजार पे ताला मार दो, फुला जगह धागे बांध दो, झूला लटका लो, तुम्हारे घर में झूला आ जाएगा, झूला तो आते आएगा, चूल्हा भी ना चला जाएंगे, फकर और तंग दस्ती ऐसी ना आ जाएंगे, घर में चूल्हा ही ना जले। तो इसलिए इनका फैज हासिल करने के लिए इनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी तरकीब हो, नमाजों का और ये के मतलब सिलसिला हो, साथ में नियाज नजर जो इसाले सवाब के लिए। अच्छा ही दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की, तो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।